to circular motion, before we start this, I want to tell you about the calculations that you have to do in CET or in NEET. CET cha paper madhe eka question cha calculation sathi tumchyakade vel kiti asto, kitna time hota hai tumhare paas? Any idea? Ek question ke calculation ke liye kitna samay hota hai aapke paas? 55 सेकेंड और 50 सेकेंड. 50 सेकेंड बिल्कुल नहीं. एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास है 0.9 मिनट्स, मतलब 54 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. उन 54 सेकेंड्स में आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, कंडीशन को, वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये डिसाइड करना है, फिर वो फॉर्मूला रफ में लिख कर उसमें वैल्यूज डालना है और फिर कैलकुलेशंस करना है. तो अब बोलो कैलकुलेशन के लिए कितना समय है? 10 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, 10 to 20 सेकंड आपके पास है कैलकुलेशन के लिए. अब बड़े बड़े कैलकुलेशन आप 10 सेकंड्स में 15 सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं? शकुंतला देवी तो है नहीं आप, है ना? तो कैसे करेंगे? तो वहां पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं. सीईटी में, नीट में, जेई में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं आपको. आपको करना है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, और जो भी आंसर आएगा फिर चेक करना है चार ऑप्शन में कि उसके नजदीक का आंसर कौन सा है. You don't have to do the exact calculations. और जो options होते हैं वो दूर दूर के होते हैं, मतलब नजदीक के option नहीं होते. जैसे for example, अगर एक option है 1.5 into 10 raised to 3, तो दूसरा option होगा 1.5 into 10 raised to minus 6. बहुत difference है दोनों में, है ना? तो अगर आपका समझो answer आता है 1.4 into 10 raised to minus 3, तो आप इसको टिक करोगे. Sorry, into 10 raised to minus 6 अगर आता है 1.4 into 10 raised to minus 6, तो उसके नजदीक का आंसर ये है, इसको आप टिक करेंगे. तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है फिजिक्स में. एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द कैलकुलेशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जब हम बोर्ड के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो यू नीड एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, तो वहां पर आपको बहुत समय लग जाता है. और सीईटी के, नीट के कैलकुलेशंस बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू दोस कैलकुलेशंस. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करना है, और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करने के लिए एक सबसे पहला काम आपको यह करना है कि कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. ये मेथड समझ लो और सीख लो अच्छी तरह से. यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस जब भी आप सीईटी के नीट की कैलकुलेशंस करेंगे. मतलब क्या कि सपोज अगर 0.5 है तो उसको आप लिखेंगे 1/2. 0.5 को आप लिखेंगे 1/2. 1.5 को आप लिखेंगे 3/2, राइट? डेढ़ म्हणजे तीन सा अर्धा. लेकिन ये कैसे करना है? इसको दो से मल्टीप्लाई करो, इसको दो से मल्टीप्लाई करो. 1 into 2 कितना हुआ? 2 + 1. तो यहां पे क्या करना है? (into 2 + 1)/2. 1 into 2, 2 + 1, 3/2. 3/2. अगर 2.5 है, 2 × 2 = 4 + 1, 5/2. अगर 3.5 है, 3 × 2 = 6 + 1, 7/2. अगर 4.5 है, 4 × 2 = 8 + 1, 9/2. अगर 6.5 है, 6 × 2 = 12 + 1, 13/2. अगर 8.5 है, 8 × 2 = 16 + 1, 17/2. अगर वो है 13.5, 13 × 2 = 26 + 1, 27/2. तो जितने 0.5 हैं, उनको आप क्या करेंगे? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. और भी है 0.75, 0.25, वो बताऊंगा आपको मैं. ये पहले 0.5 देख लो. और अगर ये मेथड आप फॉलो करते हो, सिर्फ तीन चीजें चेंज करना है आपको.
0.5 को, 0.25 को, 0.75 को, 0.5, 0.25, 0.75, ये तीन डेसिमल्स को अगर आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो तो आपके कैलकुलेशन जो है वो 25% भी नहीं रह जाते। टोटल जो कैलकुलेशन है उसका 25% भी नहीं रह जाता, कभी कभी पूरे के पूरे कैंसिल हो जाते, कुछ बचता ही नहीं। सो फॉलो दिस मेथड व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर सीटी और नीट। तो पहला कन्वर्जन है 0.5 का इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, 1 इंटू 2, 2 प्लस 1, 3 बाय 2, 2 टूज आर 4 प्लस 1, 5 बाय 2, 3 टूज आर 6 प्लस 1, 7 बाय 2, 4 टूज आर 8 प्लस 1, 9 बाय 2 एंड सो ऑन। देख लो इसको एक बार, लिख लो लगा तो ये इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, 0.5 को कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ 0.5, लिख लो इसको और इसकी प्रैक्टिस करो, राइट इट डाउन। Shall I have it? Usai Saka? Yes, sir. Similarly, agar 0.25 hai decimal, 1.25, so isko multiply karne ka 4 se, into 4 plus 1, by 4, माइक बंद करा रहे थे घर से, आवाज ये तो है, इंटू 4 प्लस 1 बाय 4, जैसे वहां पे हमने किया था इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, यहां पर इंटू 4 प्लस 1 बाय 4, जैसे 1.25 है, 1 इंटू 4, 4 प्लस 1, 5 बाय 4, 2.25, 2 fours are 8 plus 1, 9 by 4, 3.25, 3 fours are 12 plus 1, 13 by 4, 4.25, 4 fours are 16 plus 1, 17 by 4, 7.25, 7 fours are 28 plus 1, 29 by 4, 9.25, 9 fours are 36 plus 1, 37 by 4, 11.25, 11 fours are 44 plus 1, 45 by 4, and so on. 13.25 agar hai, 13 fours are 52 plus 1, 53 by 4, तो 0.25 के फॉर्म में अगर है तो इंटू 4 प्लस 1 बाय 4, इंटू 4 प्लस 1 बाय 4, देख लो इसको एक बार और लिख लो इसको, कन्वर्जन ऑफ 0.25। Shall I have it? Yes, sir. Yes. Tisra hai 0.75. Suppose 1.75 hai. Paune don. Ye 1 ke nazdik hai ke 2 ke nazdik hai? 2 ke nazdik hai. यहां पे क्या करने का, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का, अगले वाला नंबर यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करने का, मतलब हायर नंबर, इसका हायर नंबर
1.75 का हायर नंबर क्या है, 2 इंटू 4 माइनस 1/4, हायर नंबर इंटू 4 माइनस 1/4, जैसे ये 1.75 है तो इसका अगला नंबर 2 है, 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7/4, तो 1.75 को लिखेंगे 7/4, 2.75 अगर है, 2 का अगला नंबर 3, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 11/4, 3.75 अगर है, 3 का अगला नंबर 4, 4 4s are 16 माइनस 1 15/4, 4.75 अगर है, 4 का अगला नंबर 5, 5 4s are 20 माइनस 1 19/4, 6.75 अगर है, 7 4s are 28 माइनस 1 27/4, 8.75 अगर है, इसका अगला नंबर 9, 9 4s are 36 माइनस 1 35/4, तो अगर 0.75 के फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है, हायर नंबर इंटू 4 माइनस 1/4, कर लो इसको, लिख लो। तो अगर कैलकुलेशन करते समय सिर्फ इतना भी करो, 0.25, 0.5, 0.75 को कन्वर्ट करो, तो कैलकुलेशंस विल बी मिनिमाइज्ड। और जरूरी नहीं है कि वो 1.75 ही हो, जैसे 1.75 को हम क्या लिखते हैं, 2 4 is 8 माइनस 1 7/4, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दो दिन लगेंगे करने के वास्ते, ओके 2 4 is 8 माइनस 1 7/4 लिखते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन में अगर 1.7 है या 1.8 है या 1.65 भी है तो उसको 1.75 लेने का, ओके अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ओके 1.7 अगर है तो उसको 1.75 समझ के 7/4 लिखना है, 1.8 भी अगर है तो उसको 1.75 समझ के 7/4 लिखना है, सो यू गेट नियर टू द करेक्ट आंसर, ओके तो ये टेक्निक ध्यान में रख लो, कैलकुलेशन के लिए हमको अप्रोक्सीमेशन करना है, इसका प्रैक्टिकल जब हम न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि इसको यूज कैसे होगा वहां पर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग। सो वी हैव टू बिगिन विद सर्क्यूलर मोशन, द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट टॉपिक इन फिजिक्स, फिजिक्स 1, एंड आई होप दैट कि the motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion, yahan se shuruaat karne ki shayad zarurat nahi hogi ki hai, what is circular motion, the motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion, right? ab agar aap circular motion ko consider karo, ye sirf isliye hai ki aapke माइंड में वो सब फ्रेश हो जाए जो आपने पहले पढ़ा था। सपोज ये है पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कल ऑफ सेंटर ओ। सपोज पार्टिकल पॉइंट ए पर है, यहां से मोशन की शुरुआत हुई, यहां से मोशन की शुरुआत हुई, द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब यहां पर टी इक्वल टू है जीरो, motion starts from there means time instant is equal to zero, to center se lekar to is point tak, is point tak position of the particle, ye hai position of the particle,
जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, दैट वेक्टर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। और अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल को ओरिजिन लेते हो, यानी कि इसको अगर आप एक्स एक्सिस बना दो और ये वाई एक्सिस बोलो, सेंटर ऑफ द सर्कल को अगर आप ओरिजिन लेते हो तो ये रेडियस वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैन एनीबडी टेल मी, कोणाला सांगता येईल? जर या पॉइंट ओ ला आपण ओरिजिन घेतलं तर हे रेडियस वेक्टर काय होईल, एनीबडी? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो वेक्टर ओ ए है ना, ये वेक्टर ओ ए है रेडियस वेक्टर। अगर मैं इस सेंटर ऑफ द सर्कल को ओरिजिन बोलूं जीरो जीरो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये रेडियस वेक्टर क्या होगा, क्या बन जाएगा? पोजिशन वेक्टर, करेक्ट, पोजिशन वेक्टर। आपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा है ना, पोजिशन वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। तो अगर आप इस सेंटर को ओरिजिन लेते हो तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा पोजिशन वेक्टर। नाउ सपोज द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सपोज वो पहुंच गया पॉइंट बी पर इन टाइम टी, टाइम टी में वो पहुंच गया पॉइंट बी पर, तो अब रेडियस वेक्टर है ओ बी, राइट? तो टाइम टी में दिस रेडियस वेक्टर हैज टर्न्ड थ्रू सम एंगल, एक एंगल उसने ट्रेस किया है रेडियस वेक्टर ने, दैट एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, उतने टाइम की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वी नो दैट एंगल इन रेडियंस की डेफिनेशन क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, एंगल इन रेडियंस बाय डेफिनेशन इज आर्क अपॉन रेडियस। तो ये थीटा होगा लेंथ ऑफ दिस आर्क, यानी कि एस अपॉन रेडियस मतलब आर्क, सो थीटा will be equal to s upon r, theta is the angular displacement, s is the length of the arc and r is the radius vector. Ab agar suppose further time, very short time delta t, a se b tak wo gaya tha time t mein, time t is finite time, ye difference samajhta hai na, finite, infinite and infinitesimal. Finite matlab kya? Finite means having some good measurable value. Finite means having some good measurable value. Matlab itna, itni value ki jo hum measure kar sakte hain achi tarah se, usko bolte hain finite value. Infinite, infinite matlab itna bada ki jisko measure nahi kar sakte. इतना ज्यादा, इतना बड़ा कि जिसको मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। और इन्फिनिटसिमल, इतना छोटा कि जिसको मेजर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू मेजर, इन्फिनिटसिमल। तो ये ए से बी तक गया था पार्टिकल फाइनाइट टाइम टी में, सम गुड मेजरेबल वैल्यू ऑफ टाइम। बी से सपोज वो गया सी तक इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, infinitesimal time delta t, very short interval of time delta t. So ab ye hai radius vector. So in time delta t, radius vector OB se OC ho gaya. So this angular displacement is very small, delta theta. So the infinitesimal angular displacement delta theta by this will be equal to एस की जगह आएगा डेल्टा एस स्मॉल आर अपॉन आर, सो थीटा इज एस अपॉन आर एंड डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस अपॉन आर। दोनों में क्या डिफरेंस है, थीटा और डेल्टा थीटा में क्या डिफरेंस है, थीटा इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा थीटा इज
इन्फिनिटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही हैं, दोनों का यूनिट क्या होगा, रेडियन ही होगा, है ना, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन. सो बोथ विल बी मेजर्ड इन रेडियंस, लेकिन डिफरेंस क्या है, दिस इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इन्फिनिटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड दिस फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन जनरल, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इन्फिनिटसिमल हो, कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर, यू टेल मी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर, वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, उसका नाम ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और क्योंकि इसको डायरेक्शन है, आइदर इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज और इट विल बी क्लॉकवाइज, या तो वो डेल्टा थीटा या थीटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, मतलब उसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन है मींस इट इज अ वेक्टर, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट दिस फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इट डजंट ओबे द कॉमिटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रू वेक्टर, ये ट्रू वेक्टर नहीं है. Whereas infinitesimal angular displacement delta theta, it obeys the commutative and associative laws of vector addition. Therefore, it is a true vector. So theta, the finite angular displacement, is not a true vector, and delta theta, infinitesimal angular displacement, is a true vector. अब वो वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो, लेकिन ये तो ऐसे है ना, कभी ऐसा वेक्टर बगितलाए का, ऐसा वेक्टर कहीं देखा है क्या, नहीं, वेक्टर कैसा होता, स्ट्रेट लाइन, ये तो ऐसे मोशन हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट ऑन द एक्सिस, कहां पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्सिस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर दैट वेक्टर इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, उस वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर. तो अगर आप कंसीडर करते हो अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, सपोज ये है पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, ये सर्कल है क्या, ये सर्कल है, हाँ ये सर्कल है, क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में देख रहे हैं, इसका मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस प्लेन में है वो सर्कल, है ना, अगर कभी वर्टिकल प्लेन में रहा तो हमको पूरा सर्कल दिखेगा ऐसे, कंप्लीट सर्कल, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हम यहां से देख रहे हैं उसको, तो ऐसे दिखेगा वो. सो दिस इज सर्क्यूलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो जो डेल्टा थीटा वेक्टर है वो हम बताएंगे कहां पर, एक्सिस पर, the vector delta theta will be shown on the axis. अब उसको axis पर बताएंगे तो या तो वो upward होगा या तो वो downward होगा. Whether it will be upward or downward, that is given by right hand rule. What is that right hand rule? Imagine the axis to be held in your right hand with fingers curled and thumb stretched. If the fingers denote the sense of rotation, if the fingers denote the sense of rotation, then the thumb denotes the direction of vector delta theta. अब यहाँ पर इसको axis पर ऐसे पकड़ा हमने, ये सही है, correct, ये ऐसे जा रहा है particle, means our fingers are in the sense of rotation, ये है direction of delta theta. So this will be vector delta theta, the axial vector. अगर वो ऐसे घूम रहा है clockwise, okay. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम ऊपर से देखने का रहता है हमेशा, नीचे से नहीं देखने का, उसको ऊपर से देखने का है ना, सर्कल को ऊपर से देखना है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ओके. तो अगर ये क्लॉकवाइज है सपोज, तो अब ऐसे अगर पकड़ा तो ये सेंस ऑफ रोटेशन नहीं हो रहा है ना, ऐसे सेंस ऑफ रोटेशन है, दावे आता नहीं धरे से नहीं, राइट हैंड रूल आए थे, है ना, राइट हैंड का यूज करना है, तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, इसको एक्सिस को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये है सेंस ऑफ रोटेशन,
So this will be the direction of vector delta theta. अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो अपवर्ड रहेगा, अगर क्लॉकवाइज मोशन है तो डाउनवर्ड रहेगा द वेक्टर डेल्टा थीटा। थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में नहीं बता सकते बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू वेक्टर। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी शोन इन दिस मैनर। थीटा ऐसे नहीं बता सकते, यहां पर डेल्टा थीटा को बता सकते हैं बिकॉज इट इज अ ट्रू वेक्टर। गेट इट? So there is angular displacement in circular motion. Displacement है मतलब velocity है, velocity होती है displacement upon time. Angular displacement है तो angular velocity होगी, तो angular velocity will be equal to what? Angular displacement upon time, है ना? Velocity होती है displacement upon time. तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज शोन बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इन्फिनिटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन इन्फिनिटसिमल टाइम, ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डेल्टा थीटा बहुत ही स्मॉल है नो डाउट, लेकिन हो सकता है कि यहां से यहां तक में स्पीड चेंज हो जाए, ओके, कांस्टेंट नहीं रहे, इसलिए इसको हम बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, दोनों का डिफरेंस मालूम है ना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब टोटल में यहां से यहां तक, और इंस्टेंटेनियस मीन्स एट दैट पर्टिक्युलर इंस्टेंट, त्या विशिष्ट क्षणी। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट लगा देंगे। इंस्टेंट इज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, नियरली इक्वल टू जीरो। इंस्टेंट मींस अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, नियरली इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो अगर यहां पे लिमिट लगा दो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को, अगर आप लिमिट लगा दो लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स दिस इज डी थीटा बाय डी टी। लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इज डी थीटा बाय डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये भी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ डेल्टा थीटा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन है सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या रहेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी कि रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो इन सर्कुलर मोशन देयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहता, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। So the angular acceleration will be delta omega by delta t, change in angular velocity upon time. This is average angular acceleration, and instantaneous angular acceleration matlab isko limit laga denge as delta t tends to zero, that is equal to d omega by dt, that is angular acceleration, which will be measured obviously in radian per second square, radian per second per second, yani ki radian per second square, that will be the unit of angular acceleration. So there is a angular displacement, angular velocity, and if angular velocity changes there will be angular acceleration. और ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एनीबडी कैन टेल मी,
What will be direction of angular acceleration? Away from origin. Away from. Why? Why? Not away from origin. Or it is tangential. Angular acceleration. Tangential. Please. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहती अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब मोशन की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है. सपोज हम लीनियर मोशन देखते हैं, सपोज एक बॉडी है वो ऐसे जा रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे जा रही है. अगर इसकी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? कैन यू टेल मी? लीनियर मोशन में ये बॉडी ऐसे जा रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? अलोंग द वेलोसिटी सेंटर. करेक्ट, वेरी गुड. द एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है और इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है अगर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू वेलोसिटी. अपोजिट टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा. अपोजिट टू वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन. निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट टू वेलोसिटी. तो सेम प्रिंसिपल यू कैन अप्लाई इन सर्क्यूलर मोशन ऑल्सो. सर्क्यूलर मोशन में सपोज ये सर्क्यूलर मोशन है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? आप बोलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अपवर्ड. अपवर्ड, करेक्ट. ये होगा ओमेगा. डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, दिस इज ओमेगा. अगर इसकी स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ती है, एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी in the same direction of omega. Or agar angular speed ya angular velocity uski kam ho rahi hai, agar uski speed kam ho rahi hai motion ki, to negative acceleration hai, matlab alpha hoga opposite to omega. Opposite to omega. So if the angular velocity is increasing, direction of alpha will be same as that of omega. If angular velocity is decreasing, direction of alpha will be opposite to omega. Correct? So, अब before I move further, आगे जाने से पहले अभी हमने just start किए हैं and you people are न्यू फॉर मी. आप लोग नए हो मेरे वास्ते. आपका लेवल कहाँ तक है आई डोंट नो. मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ. अब एक्चुअली जब रेगुलर में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन सीईटी में क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाना होता है. स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से पढ़ाना होता है. तो अब आप बोलिए, अभी जस्ट हमने 10-15 मिनट देखे सर्कुलर मोशन की शुरुआत की है, ऐसे करना है या डायरेक्टली हायर लेवल पे जाना है या इसको स्लो करना है? यस, आई वॉन्ट द फीडबैक फ्रॉम यू सो दैट वी कैन प्रोसीड इन दैट मैनर. ऐसे ही रख लो सर. ऐसे ही रखना है. लिटिल बिट फास्ट, थोड़ा सा और फास्ट करना है. नहीं सर, ऐसे ही रख लो. ऐसे ही रखो सर. ऐसे ही रखो सर. ठीक है, ठीक है. और कोई, किसी का और कोई फीडबैक बोलो. डोंट हेजिटेट, बोलो. मैं देख नहीं रहा हूं आपको कौन बोल रहा है. वो बोलो, वो बाद में देखेंगे किसने क्या बोला था. किसी का और फीडबैक कुछ? ऐसे ही रखना है? यस सर. ओके, फाइन फाइन फाइन. सो In circular motion, there is angular aspect.
there is angular displacement, there is angular velocity, there is angular acceleration. But circular motion is a translational motion. सर्कुलर मोशन कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो सपोज वो पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो हुई, देयर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इतनी उसकी क्या हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई. लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई मतलब पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी भी है, जैसे कि एंगुलर है वैसे लीनियर भी है. मतलब सर्कुलर मोशन में हमको दो एस्पेक्ट्स देखना है, एंगुलर एंड लीनियर, एंड दे आर इंटर रिलेटेड. वो एंगल में भी घूम रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब देर इज लीनियर मोशन ऑल्सो, सो यू हैव टू कंसिडर इट्स लीनियर एस्पेक्ट ऑल्सो. तो जैसे उसको एंगुलर वेलोसिटी है उसी तरह से देर इज लीनियर वेलोसिटी ऑल्सो. और वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट लीनियर वेलोसिटी? यस, सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल टू द सर्कल. पार्टिकल समझो यहां पर है तो ये है उसकी लीनियर वेलोसिटी. अगर वो यहां पे आ गया तो यहां से टेंजेंशियल टू द सर्कल, एट एवरी पॉइंट the linear velocity is tangential to the circle. And how much will be that linear velocity? Suppose a particle moves from point A to point B, suppose. Or ye hai suppose theta, angular displacement. So iski linear velocity kitni hogi? Its linear velocity v is equal to r omega, right? Yaad hai ye? In scalar form, in terms of magnitude, v is equal to r omega. Aur vector form mein, v is equal to omega cross r, and not r cross omega. Kyunki ye vector product hai na? Omega is the vector, r radius vector, do vectors ka product hai, right? Aur प्रोडक्ट क्या है, v जो कि वेलोसिटी, इसको भी डायरेक्शन है, मतलब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और रिजल्टेंट भी क्या है, वेक्टर है. दोन वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जो स्वतः वेक्टर आहे, क्या बोलते हैं उसको हम, क्रॉस प्रोडक्ट है ना. दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जो खुद भी क्या है, वेक्टर है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो v इक्वल टू r ओमेगा जो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो वो ओमेगा क्रॉस r है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं है. दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ तो, ओमेगा क्रॉस आर और आर क्रॉस ओमेगा, इसमें क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. तो वी इज ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट आर क्रॉस ओमेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इन सर्क्यूलर मोशन. इसकी डेरिवेशन याद है, वी इज इक्वल टू के वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो v इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा s बाय डेल्टा t. इज दिस करेक्ट? ये बराबर है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा s और टाइम इज डेल्टा t. इज दिस राइट और रॉन्ग? Wrong, sir. क्यों? Why wrong? क्या गलती है उसके अंदर? Multiply by r. क्या multiply by r? Time. Velocity displacement upon time रहती ना कि नहीं रहती? Linear velocity is linear displacement upon time. ये circular motion हो रहा है, ये particle point A से point B पर गया, right? ये है डेल्टा एस और उसके लिए टाइम लगा डेल्टा टी. तो वेलोसिटी इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसमें क्या गलत है? यस, एनीबॉडी, एनी आइडिया? डेल्टा एस ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट ये है,
है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों अलग अलग हैं, है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये है डिस्प्लेसमेंट। सो वी इज नॉट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर हम डेल्टा टी नियरली इक्वल टू जीरो लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगी। और सपोज ये सर्कल है, अगर वेरी शॉर्ट टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। अगर डेल्टा टी नियरली इक्वल टू जीरो अगर हम लेते हैं तो दीज टू विल बी सेम। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन आर्क इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व और स्ट्रेट लाइन अलग अलग नहीं होंगे। देखो ना, ये सर्कुलर मोशन है। सपोज हम छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं तो कर्व भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो डेल्टा एस को हम डिस्प्लेसमेंट कब बोल सकते हैं? इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो यहां पे हमको लिमिट लगाना पड़ेगी, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। नाउ डेल्टा एस और डेल्टा थीटा, इनमें क्या रिलेशन है? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, या डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, वी इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस की जगह आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये आर कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? आप बोलो, ये आर कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? है, क्योंकि इस पर एरो नहीं है, यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। अगर ये एरो होता तो ये कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना, मतलब रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर, इस पर एरो नहीं लिया हमने, सो दिस इज अ कांस्टेंट। तो ये वी इक्वल टू हो गया आर, कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और ये क्या है? डी थीटा बाय डी टी, यानी कि ओमेगा, ये हो गया आर ओमेगा। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज द लीनियर वेलोसिटी इन सर्क्यूलर मोशन। देन If the angular velocity in circular motion is constant, अगर angular velocity constant है, it is called what? Uniform circular motion, UCM, uniform circular motion, मतलब वो circular motion जिसमें angular velocity क्या है? Constant है, the angular velocity is constant. So suppose this is uniform circular motion, इसमें angular velocity क्या है? Constant है। Is linear velocity also constant? इसमें linear velocity भी constant है क्या? नहीं, नहीं है, क्योंकि linear velocity की direction change हो रही है। Suppose यहां पर यह है 10 meter per second, तो यहां पर भी वो होगी 10 meter per second भी होगी, क्योंकि uniform circular motion है, यानी कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या हुई? चेंज हुई, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो इन यूसीएम एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। सो इफ यू कंपेयर यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, very important, if you compare UCM and non-UCM, in UCM angular velocity is, now I want from you, angular velocity is what? Constant. 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 Here? No. Not constant. Not constant. Angular velocity constant, not constant. Linear velocity? Constant.
constant. Linear velocity here, constant. Here, yes, fast. Linear velocity. यहाँ पर constant है क्या non UCM में? अभी तो बोला ना यार. Yes, constant. अरे अभी तो बोला ना यार. ये linear velocity है. यहाँ पर ये linear velocity है. Direction linear velocity का change हो रहा है. Direction change हो रहा मतलब velocity change हो रही है. तो direction change होने के कारण velocity change हुई. तो यहाँ पे linear velocity constant है क्या? नहीं नहीं है नहीं. क्या कांस्टेंट है फिर? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो फिर से एक बार, एंगुलर वेलोसिटी बोलो कांस्टेंट है. कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट. नॉन कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट. लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल. लीनियर स्पीड कांस्टेंट. कांस्टेंट कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट एक यहां पे गड़बड़ क्या हुई? फिर से एक बार देखो. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट. यस वेरिएबल नॉट कांस्टेंट. वेरिएबल हां कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट बोलो. Angular velocity constant, not constant. Linear velocity constant, not constant, not constant, not constant, not constant. दोनों जगह linear velocity not constant, क्योंकि direction क्या हो रही है? Change हो रही है. Linear speed constant, constant. हाँ, linear speed constant. अगर समझो यहाँ पर है 10, यहाँ पर होगी 12, है ना? नॉन यूसीएम है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम में लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट है, नॉन यूसीएम में लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है. यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 12 रहेगी, या हो सकता 8 होगी. तो लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है नॉन यूसीएम में. लीनियर स्पीड कांस्टेंट कहां पर है? यूसीएम में कांस्टेंट है. ओके तो फिर से बोलो. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट वेरिएबल. लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट not constant. 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 Linear speed constant. 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 Not constant. Not constant. Direction of linear velocity very change. Changing not constant. Changing. Changing not constant. Change. Right. Magnitude of linear velocity constant. 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 Not constant. Not constant. Not constant. Right. Angular speed. Constant. Constant. Not angular speed. Not constant, sir. Yes. Constant. Angular speed. Constant. Non UCM में. UCM की definition क्या है? UCM की definition बोलो. The motion of a particle along the circumference of a circle with constant angular velocity or constant linear speed. Constant angular velocity or constant angular speed is called uniform circular motion. यही एक difference है board में और CET में. Board में रट्टा मार के काम चल जाता, CET में रटने से काम नहीं चलता, अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ती, फुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ओके तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर स्पीड भी तो कांस्टेंट है ना. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है. यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट और चेंजिंग. Changing.
नो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग नहीं है, क्योंकि अगर समझो पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा, ऐसे रुक के वापस नहीं आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, राइट। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और चेंजिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, चाहे वो यूसीएम हो चाहे वो नॉन यूसीएम हो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड यूसीएम में कांस्टेंट है, नॉन यूसीएम में चेंजिंग है। ये कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, आगे और कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे यूसीएम और नॉन यूसीएम के। सो इफ यू कंसीडर यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज देयर लीनियर एक्सेलरेशन और नॉट? यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन, दो एस्पेक्ट देख रहे हैं हम, एंगुलर और लीनियर। यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन है कि नहीं है? नहीं, ये तो जीरो नहीं है, जीरो है। क्यों क्यों? एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। यूसीएम में वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं नहीं हो रही है, हो रही है यूसीएम में। अब तीसरी बार बोल रहा हूं अभी कि यूसीएम है अगर यहां पर वेलोसिटी है अगर 10 meters per second, तो यहां पर भी है 10 meters per second यूसीएम, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई, है ना। डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेक्टर को मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। वेक्टर हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों में से कुछ एक भी अगर चेंज होता है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है या डायरेक्शन अगर चेंज होता है, दोनों में से कुछ एक अगर चेंज होता है मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है सर, है सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं है? एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यूसीएम में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है। देयर इज लीनियर एक्सेलरेशन इन यूसीएम, मतलब एनी टाइप ऑफ सर्क्यूलर मोशन, एनी टाइप ऑफ सर्क्यूलर मोशन, वेदर इट इज यूसीएम और वेदर इट इज नॉन यूसीएम, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एनी टाइप ऑफ सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, चाहे वो यूसीएम हो चाहे वो नॉन यूसीएम हो, वहां पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? लीनियर एक्सेलरेशन। जब हम बोलते हैं वेलोसिटी तो हमारा मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, जब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन तो हमारा मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो हमारा मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर के लिए बोलना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला वेलोसिटी तो उसका मतलब क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी। अगर बोला उसने एक्सेलरेशन तो उसका मतलब क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर नहीं। तो यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन है, सो यूसीएम इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। एनी टाइप ऑफ सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन है। और यूसीएम में वो लीनियर एक्सेलरेशन कैसा है, इसको याद है? हाउ इज दैट लीनियर एक्सेलरेशन इन यूसीएम? UCM में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कैसा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सा एक्सेलरेशन है वो? Anybody, please. Tangential. UCM में यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है, हाँ, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। UCM में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो है अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द
center along the radius and toward the center, it is centripetal acceleration. Centripetal ka matlab along the radius and towards the center, it is also called radial acceleration. Usko radial acceleration hi bolte hain. Centripetal acceleration or radial acceleration. So in UCM, the linear acceleration is centripetal acceleration or radial acceleration along the radius and towards the center. UCM mein ye acceleration kis karan hai? Kyunki velocity ki direction kya ho rahi hai? Change ho rahi hai. Velocity ki direction change hone ke karan, there is centripetal acceleration along the radius and towards the center. Non-UCM mein ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, होगा क्यों? क्यों 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 क्योंकि डायरेक्शन यहां पर भी चेंज हो रही है ना? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस कारण है? डायरेक्शन चेंज होने के कारण है. तो वो यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, यूसीएम में भी होगा और नॉन यूसीएम में भी होगा. So centripetal acceleration is there in every circular motion, whether it is UCM or whether it is non-UCM. Lekin ye jo non-UCM hai, isme direction bhi change ho rahi hai aur magnitude bhi change ho rahi hai. Yahan pe 10 hai, yahan pe 12 hai. Yahan pe magnitude change nahi ho rahi hai. UCM mein magnitude change nahi ho rahi hai, keval direction change ho rahi hai. लेकिन नॉन यूसीएम में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है. तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, और यहां पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो वहां पर और एक एक्सेलरेशन होगा. मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण और एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जबकि यूसीएम में केवल एक एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेयर एज इन नॉन यूसीएम देर आर टू एक्सेलरेशन, centripetal and tangential. So the net acceleration will be under root ac square plus at square, dono ka combination, centripetal or tangential, dono acceleration ka combination, dono ek dusre ko perpendicular hain, to unka resultant hoga under root ac square plus at square. So this is net acceleration in UCM, this is net acceleration in non UCM. देख लो उसको एक बार. UCM में एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, नॉन UCM में दो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल. सो द नेट एक्सेलरेशन इन नॉन UCM इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. देख लो एक बार. और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो दोनों सर्कुलर मोशंस में है, इट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इट इज इक्वल टू वी ओमेगा. याद है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन आर और वी ओमेगा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ सर्क्यूलर मोशन. नॉन यूसीएम में जो दूसरा एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू आर अल्फा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज एब्सेंट इन यूसीएम. यूसीएम में ये एक्सेलरेशन नहीं है. सो इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन एवरी सर्कुलर मोशन, दिस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. सो
there is centripetal acceleration in every circular motion. Centripetal acceleration है, मतलब centripetal force है. Acceleration किस कारण होता है? What is the cause of acceleration? बता सकता है कोई? Change in velocity. Change in velocity को हम acceleration बोलते हैं. होता किस कारण है वो? What is the cause of acceleration? What is the reason for acceleration? Anybody, please. Acceleration किस कारण होता है? Changing velocity. Change in velocity is called acceleration. Change in velocity को हम acceleration बोलते हैं. होता किस कारण है? स्पीड कम ज्यादा होने की वजह से. फोर्स. एक हाँ, देयर यू आर. फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है किसके कारण? फोर्स के कारण. देयर कैनॉट बी एन एक्सेलरेशन विदाउट फोर्स. फोर्स अप्लाई केल्याशिवाय एक्सेलरेशन होत नाही. फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन. एंड the direction of acceleration is same as that of applied force. ये दो statements ध्यान में रख लो अच्छी तरह से. Number one, there cannot be an acceleration without force. Force apply केल्याशिवाय acceleration होत नाही. And direction of acceleration is same as that of applied force. ज्या direction मध्ये आपण force apply करतो acceleration त्याच direction मध्ये होत असतो. These two statements we have to remember. Direction of acceleration is same as that of applied force. तो किसी भी circular motion में there is centripetal acceleration means there is centripetal force. Acceleration किस direction में होगा? जिस direction में force है. Acceleration है along the radius towards the center. मतलब force भी है along the radius and towards the center. Means centripetal force is there in every circular motion. हर type के circular motion में centripetal force है. और ये centripetal force circular motion के कारण नहीं है. Circular motion है इसलिए centripetal force नहीं है. Centripetal force है इसलिए circular motion है. अगर centripetal force होगा तभी circular motion होगा. अगर centripetal force नहीं रहा तो circular motion नहीं होगा. और centripetal force होता नहीं है, provide करना पड़ता है. सर्क्युलर मोशन कराने के लिए, सर्क्युलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, होता नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सर्क्युलर मोशन है. सर्क्युलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होगा? द ग्रेविटेशन. द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वहां पे कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली अ स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड एंड रिवॉल्व इन सर्कल्स. दोऱ्याला दगड बांधला किंवा दगडाला दोरा बांधला आणि त्याला सर्कल मध्ये फिरवलं तर सर्क्युलर मोशन आहे. सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वहां पर. वो कहां से मिलेगा? द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड. व्हीकल कर्व रोड पर जा रही है. सर्क्युलर मोशन है. सर्क्युलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, प्रोवाइड करना पड़ता है. एंड इन डिफरेंट केसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड थ्रू डिफरेंट मीन्स. वेगवेगळ्या केसेस मध्ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेगवेगळ्या माध्यमातून पुरविला जातो. जैसे कि अभी हमने दो तीन एग्जाम्पल देखे. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सर्क्युलर मोशन है. सर्क्युलर मोशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिला तो सर्क्युलर. एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है. देखो ये सर्क्युलर मोशन में ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब ये पार्टिकल सीधे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वो. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? उसको ऐसे अंदर खींचता. तो ऐसे सीधे जाने के बजाय इस फोर्स के कारण वो यहां पे आ गया.
यहां पे फिर वो ऐसे जा रहा है, ये है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सर्कल, वो ऐसे जा रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींचता है ऐसे, तो वो सीधे जाने के बजाय वो यहां पे आ गया। यहां पे फिर ये है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे जा रहा है वो, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींचेगा, तो वो सीधे जाने के बजाय यहां पे आ गया। कौन सा मोशन हुआ? सर्क्यूलर मोशन। ये सर्क्यूलर मोशन किसके कारण हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया चाहिए जितना, तो सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब समझो यहाँ पे आने के बाद अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा, ये पार्टिकल सीधा चले जाएगा ऐसे, वो ऐसे इधर नहीं आएगा, देयर वोंट बी एनी सर्कुलर मोशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्यूलर मोशन, एंड इन डिफरेंट केसेस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड थ्रू डिफरेंट मीन्स। अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरह से प्रोवाइड होगा। गेट इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। सर इंटरप्ट करो क्या? हाँ सर बोलिए। टाइम इज ओवर सर। यस सर आई एम कंक्लूडिंग, कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके आपने सर लेट दिया मेरे को लेक्चर, इसलिए मैं ठीक है एक दो मिनट से कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके सर। सो आज जो हुआ जितना हुआ जैसे हुआ, फिर से एक बार बोलो मेरे को, इज दिस ओके और शुड वी स्पीड अप और शुड वी स्लो डाउन और व्हाट इट इज? इट्स ओके सर। इट्स ओके। दिस इज ओके, दिस इज ओके। ओके ओके तो मतलब अपने को इसी तरह से चलना है, तो फिर जो मैंने स्केड्यूल जो आपको दिया हुआ है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन के लिए मैंने 2 दिन रखा था, 3 दिन रखना पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमको एमसीक्यूज भी तो सॉल्व करना है ना, वो तो मेन है ना, उसके लिए भी तो समय लगेगा है ना। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा स्केड्यूल में इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हो सकता है 80 की जगह फिर 90 लेक्चर्स हो जाए। ओके सो आई विल हैव टू रीशेड्यूल इट, फिर से स्केड्यूल में चेंज करना पड़ेगा अगर इस तरह से चलना है तो। ठीक है, और अगर किसी का और कुछ फीडबैक है तो मेरे को बोलो या ग्रुप पे डालो, बिकॉज यू आर प्राइमरी फॉर दिस क्रैश कोर्स। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट मेन चीज है। ओके जो कुछ भी करना है आपकी रिक्वायरमेंट के, आपके फायदे के हिसाब से करना है, आपको जो सुटेबल हो वैसे करना है हमको। तो आप बताएंगे कि आपको क्या सुटेबल है और क्या नहीं है। रेगुलर बैच नहीं है, क्रैश कोर्स है, हमको फास्ट स्पीड अप करके जल्दी से सिलेबस खत्म करना है गिवन टाइम में। तो और क्योंकि आपका पहले हो चुका है ये, इसलिए रेगुलर बैच में हम आपसे नहीं पूछते कि कैसे पढ़ाऊं मैं, हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमको मालूम कैसे पढ़ाना है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या सूटेबल है, क्या कंफर्टेबल है। तो अगर कुछ और फीडबैक है इसके, अभी जो बोले बच्चों ने कि ऐसे ही चलना है, अदर देन दिस अगर कुछ फीडबैक है तो आप ग्रुप पे डालो विदाउट हेजिटेशन। मैं आपको ये कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ टू गिव योर फीडबैक कि इसमें स्पीड अप